हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज का जो मनन चिंतन के लिए पाठ है, जिसके आधार पर हमने खुदावन की बातों पर अपना मन लगाना है, वो हमें मिलता है यशाया उसका 48 बाब और उसकी 1 आयत से लेके 11 आयत तक। और मेरी आप सबसे गुजारिश है, निवेदन है, प्रार्थना है, विनती है कि आप इस हिस्से को क्या करें, अवश्य ही पढ़ें, अवश्य ही पढ़ें, क्योंकि जो हमारा जो चर्चा है, जिस पे खुदा ने अपने पाक रूह के द्वारा अपने खादम को उभारा है, वो इस हिस्से में, इस हिस्से के आधार पर और इस हिस्से की जो यशाया 48 बाब और उसकी 6 आयत का जो आखिर वाला हिस्सा है, उसी के आधार पर हमें खुदावंद का हुक्म हुआ है कि हम इसको अपना आधार मान कर अपने मनन चिंतन के लिए इस पर मन लगाएं। और जिसने बताया है, जिसने बताया है, वो अपने बंदे की बोलने में मदद करेगा। और जब आप उसको पढ़ लेंगे और फिर उस पर मन लगाएंगे, आपको समझने में मदद करेगा वो जो जिंदगी का बानी है, वो जिंदगी का बानी है, जिंदगी भी बख्श देगा कि इन बातों पर मन लगा करे जो हम उसके इल्हाम से जो कुव्वत हासिल करें, बल हासिल करें, बुद्धि हासिल करें, प्रकाश हासिल करें, वैसी जिंदगी भी दे देगा कि हम उन बातों को कार्यवहार मिला के उसके चलते फिरते गवाह बन जाए। बोल दो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यशाया 48 उसके 6 बाब के आखिर वाला हिस्सा इस कदर कहता है कि मैं आज के दिन से तुझे वो बातें बताऊंगा जिन्हें तू पहले से नहीं जानता। और वो किससे मुखातिब हो रहे हैं? खुदा बाप इसराइल से, जिनका जो मूल पिता जो है अब्राहम साहब है। अब्राहम साहब अपना सफर तय करके चले गए और अपने बेटे इजहार को उन्हीं शिक्षाओं की तालीम देकर गए और वो भी उनके नक्शे कदम पर चले। और फिर इसहाक ने अपनी माता पिता की शरण में रह के जो है शिक्षा पाई, उसने अपने बेटे याकूब को दी। और याकूब पर खुदा का फजल ऐसा हो गया कि एक मनुष्य को ऐसा नाम दे दिया कि आज से तेरा नाम इसराइल होगा। और ये नाम इसराइल जो कि आज मुल्क है, जो कि आज मुल्क है, और इस मुल्क की एक दास्तान है, एक हकीकत है जिसमें खुदा का कलाम पूरा होता है। और लेकिन हमने दूसरी बात पर मनन करना है कि वो इसराइल से कह रहा है जिसका अब्राहम, और अगर हम आदम से जो कैलकुलेशंस करें तो क्या है, 800 साल बीत गए हैं, 800 साल लगभग 800 साल बीत गए हैं अब्राहम इजहाक याकूब के साथ जो सारे अहद
बांधे जो कि खुदा अहद का पक्का है, अहद सब पूरे कर दिए, गुलाम थे बादशाह बन गए, गुलाम थे मिस्र में बादशाह बन गए, और उनमें बड़े बड़े बुद्धिमान, शक्तिमान, ज्ञानवान और परमेश्वर के प्रिय राजा हुए। और फिर बहुत समा बीत गया, 800 के साल से ऊपर हो गया, और आज प्रभु कह रहा है 800 साल के बाद खुदा वे इसराइल से कह रहा है यशाया के द्वारा कि आज के दिन से मैं तुम्हें वो बातें बताऊंगा जिन्हें तू अब नहीं जानता। अक्सर ऐसा होता है कि हमारी एक सीमा निर्धारित है। अब पूरे वर्ल्ड को नहीं, अगर हम वर्ल्ड को भी ले लें तो अच्छी बात है कि ये जो बाइबल है इसका इतिहास से आंकड़ों में, ये आंकड़े तो 1500 कुछ में कैलेंडर बना, फिर उसके जाके कैलेंडर से ये आंकड़े गिने गए हैं, लेकिन हकीकत ये है कि जब से दुनिया वजूद में आई, जब से आदम रचा गया, तब से बाइबल का इतिहास है। बोल दो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये जो आंकड़े हैं जिनको बताने में कभी कभार थोड़ी सी जो है कमी रह जाती है, और हम कहते हैं कि आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह, ये आंकड़ों की बात है, लेकिन हकीकत ये है कि जब से ये दुनिया, ये जमीन, जो आसमान है, ये अलग हुए और जब से मनुष्य रचा गया, तब से बाइबल और बाइबल का इतिहास है। जब से खुदा ने एक प्रिय रचना की मनुष्य के, और तब से है कि ये आंकड़ों का तो जो एक मकसद था के बहुत से समझदार लोगों ने जब कैलेंडर का इजाद किया, और जो कैलेंडर के जो वजूद में आया, तो तब ये सोचा गया कि बहुत सी बातों को कोई अक्षर दे के पास्ट में या भविष्य में बातों के लिए के दर्ज किया जाएगा, और तब आंकड़े चाहिए, और वो आंकड़ों का इतिहास भी बाइबल से है। जो बीता काल है उसे क्या कहते हैं? बीसी, बिफोर क्राइस्ट, बीसी। और जो क्या है आने वाले दिन की, जो हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो क्या है? एडी, अनजामनी, द डे ऑफ लॉर्ड, यहोवा का दिन, जिसकी प्रतीक्षा पूरा भूमंडल, पूरे विश्वास से कर रहे हैं। बोल दो हालेलुया, हालेलुया। और यहां जो 800 के साल से ऊपर हो गया, और इसराइल से खुदाई पा के अपने दास से यशया के द्वारा यो कहता है कि आज से, और मैं और आप थोड़ा सा समय होता है, हम ये जानने लग जाते हैं और ये सोचने भी लग जाते हैं, यहां तक के कभी कभार तो कहने भी लग जाते हैं कि मुझे सब कुछ मालूम हो गया, मैं तो बहुत कुछ जानता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने बीडी कर ली, मैंने पीएचडी कर ली, आई एम मास्टर ऑफ थियोलॉजी स्टडी, मैंने खुदावंत के बारे में स्टडी कर ली, थियोलॉजी स्टडी। और मेरे जीजो, ये पढ़ना, ये जानना, ये इसमें बढ़ना, ये अच्छी बात है,
लेकिन परमेश्वर परमेश्वर की बातें अथाह सागर है और वो मनुष्य और मनुष्य की समझ में रफ्ता रफ्ता आती है। 800 साल के लगभग बीत गए और खुदावन कह रहा है कि आज से मैं तुझे वो बातें बताऊंगा। कौन सी बातें? गुप्त बातें जिन्हें तू अभी तक नहीं जानता है। पहले इसलिए नहीं बताई कि कहीं ऐसा सोचने लग जाए कि मैंने थियोलॉजी की, मैं मास्टर ऑफ थियोलॉजी मैंने की हुई है, अरे मुझे तो पता है। आई अप्रिशिएट जो एजुकेटेड लोग हैं, मैं उन्हें बहुत सराहता हूं। हमारे बच्चे भी जो है, मेरी जो डॉटर है शी इज डबल गोल्ड मेडलिस्ट, मेरा बच्चा स्वयं एक डॉक्टर है। मैं ज्ञान को सराहता हूं, लेकिन एक वो ज्ञान है जिसके लिए बाइबल कहती है कि मनुष्य का ज्ञान रहते होना अच्छा नहीं है। और वो कौन सा ज्ञान है? उसे कहते हैं The knowledge of God, प्रभु का ज्ञान, जो किससे मिलता है? पवित्र आत्मा से मिलता है, यीशु की आत्मा से मिलता है। और यहां क्या है? यहां खुदावंद फरमा रहे हैं कि आज से मैं तुम्हें वो बातें बताऊंगा जिन्हें तुम्हें आप पहले से नहीं पता है। मेरे अजीजों, अपनी सीमा निर्धारित मत कीजिए, ना किसी प्रकार से कोई घोषणा कीजिए, ना ही अपने मन में ये ख्याल आने दें कि मुझे बहुत कुछ पता है, क्योंकि ये अथाह सागर है। ये किस पर, कितना, कब, कहां, ये खुदावन जानता है किस पर प्रकट करना है। एक बात है कि खुदावन अपने वचन में बहुत कुछ बोलता है और उसके लिए कहता है, क्या कहता है, ध्यान दीजिए कि जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। कलीसिया से क्या कहता है? What is the meaning of कलीसिया? ये कलीसिया क्या होती है? A group of righteous people. A group of righteous people, कलीसिया होती है। और खुदावंद यीशु मसीह किन से कहता है? अपने चुने हुए लोगों से जो के खुदावंद की दृष्टि में उसके प्रिय हैं। और वो उन्हें कहता है कि वो कान रखो जो सुनते हैं, वो कान नहीं जो कि शकल को मुकम्मल करते हैं, बल्कि वो कान जिसके लिए कहता है कि जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। कौन कहता है? आत्मा कलीसिया से कहता है। कलीसिया से। हालेलुया, हालेलुया। बलू साहब बड़ा अच्छी एक बात बताते हैं, और वो भी किससे कह रहे हैं? कलीसिया से। किससे कह रहे हैं? कलीसिया से, जो उनकी जो मिनिस्ट्री में आगे कलीसियाएं बनी, जो कलीसियाएं बनी उनको कह रहे हैं कि जब सर्वसिद्ध आएगा, जब यीशु आएगा तो क्या होगा? ये जो आज क्या है, धुंधला सा नजर आता है, फिर क्या हो जाएगा? साफ साफ नजर आएगा। एक वक्त आता है,
एक वक्त आता है, लेकिन वो उस वक्त को आपने और मैंने ये समझ नहीं लेना है कि एक बात जो मुद्दे की जो हमें पता चल गई तो हमें क्या है सब कुछ मिल गया, ऐसा नहीं है। एक मर्तबा अली शाह ने एक राजा से कहा, जो तीन राजा आशीष लेने आए, तो उसने कहा कि तीर छोड़, और वो क्या हुआ, वो तीर छोड़ते रुक गया, और अली शाह को बुरा लगा। उसने कहा तू क्यों रुक गया, मैंने तुझे बहुत सी बरकतें दिलवानी थी। इसीलिए कहीं भी हमें जितना भी पता लगता है वो काफी नहीं है, उसमें हमने रुकना नहीं है, चलते जाना है। बहता दरिया यीशु मेरा, हाँ इसमें क्या है, डूब जा, डूब के ऊपर आ जा, स्नान करके ऊपर आ जा, जो है डूब करे क्या है, स्नान करके आगे जाना है। ये वचन कलाम अथाव सागर जो के खुदाए पा के 800 साल के बाद भी इसराइल से कहना है कि मैं तुम्हें वो बातें बताऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। और आज का दिन जो क्या है, यहोवा ने बनाया है और हमने क्या होना है उसमें आनंदित होना है, क्योंकि आज उसने हमें कुछ बताया है जो शायद बहुतों को पता भी हो, लेकिन मुझे नहीं पता था। जो मुझे बताया मैं आपके साथ बांट रहा हूं। I'm not challenging, मैं किसी को जो है ऐसे चैलेंज नहीं करता कि जो आज मुझे पता लगा है, किसी को भी पता नहीं है, लेकिन एक बात कहता हूं कि एक वक्त आता है कि जब वो इंसान पर उन बातों को क्या है रवील करता है जो एक समय में गुप्त होती है, जैसे रेवोल्यूशन। ये जो रेवोल्यूशन है ये खुदावंद यीशु मसीह पर पवित्र यहोवा ने प्रकट किया, और उसने बाइबल रेवोल्यूशन के शुरू में ही बताया है कि वो बातें जो खुदा ने इसे बताई, और उसने अपने शिष्य यहुन्ना से कह दी के ताकि वो लोग जो हैं, जो जिनको थोड़ा पता है थोड़ा नहीं पता है, वो जान जाएं, सावधान हो जाएं और बरकत पाएं। बोल दो हालेलुया। हमारा आज चर्चा का विषय है जीसस। हालेलुया, हालेलुया। यीशु और यीशु के बारे में जो बातें हैं, अक्सर लोग जो आम लोग कहते हैं, जो अनजान है, नवाकुफ है, यीशु मसीह के उन पोस्टर्स को देख के जो किसी मनुष्य ने बनाए हैं और कह देते हैं अरे तो अंग्रेज है, अंग्रेजों के गुरु है। हालेलुया, हालेलुया। यहां तक के ही जानते हैं, अनजान है, लेकिन खुदा वाकफी देगा। हालेलुया, हालेलुया। और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो जानकर भी हमें जानने की आवश्यकता है, क्योंकि आज का दिन यहोवा की ओर से आ गया है कि जो मैं अपनी बात कर रहा हूं कि जो मुझे कल नहीं पता था आज मुझे उसने बताई है, और मैं आपके साथ बांट रहा हूं क्योंकि वचन ऐसा कहता है। दोनों का जिक्र खुदावन जब देता है तो उसको बांटना बढ़ाना जरूरी है। और फिर वाणी कहती है कि तुम्हें सेंटमेंट मिला है, सेंटमेंट दो। मैं किसी से कभी कुछ नहीं मांगता, और मैं खुदा का शुक्र करता हूं कि खुदा जो है मुझे बहुत कुछ दे रहा है, देता जाएगा, और खुदावंद मुझे देता है, चाहे वो धन हो, चाहे वो उसका प्रकाश हो, और मैं उसके नाम में बड़ी आजादी के साथ कहता हूं
आगे देता हूं, आगे बांटता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा कुछ नहीं है। और ये बात है, जिन जिन लोगों ने इस जमीन पर जान ली, आज वो क्या है, गुरु है, उस्ताद है, जिन्होंने जान लिया कि हमारा हमें कुछ नहीं है, जो कुछ है वो सब परमेश्वर का है, और परमेश्वर इसलिए देता है कि हम उसको बांटें, क्योंकि बांटना जरूरी है। आपने सुना होगा ये जो छप्पड़ होते हैं, ये छप्पड़ों का पानी जो है ये काय को स्मेल करता है, क्यों ये स्टैग्नेंट वाटर हो जाता है, इसमें बदबू क्यों आती है, क्योंकि ये बहता नहीं है, एक जगह पर रुका रहता है, क्योंकि बहता नहीं है। और ये जो झरने होते हैं वो क्यों बहते और मीठे होते हैं, क्योंकि बहते हैं। ऐसे ही जो मनुष्य को जो परमेश्वर सिखाता है उनका बांटना ये उससे, बल्कि हर एक मनुष्य का कर्तव्य है कि उसको आगे बांटें। हमारा चर्चा का विषय है जीसस, जीसस। अब एक बात, हम सब जानते हैं कि यीशु परमेश्वर पुत्र है। हालेलुया, परमेश्वर पुत्र है। क्या इतना जान लेना काफी है कि यीशु परमेश्वर पुत्र है? यीशु परमेश्वर पुत्र कैसे है? यीशु परमेश्वर पुत्र कैसे है इसका जानना जरूरी है, क्योंकि यीशु खुदा की उस शक्ति से, उस ताकत से मरियम की कोख में गया जिसका कोई पिता नहीं है, वो परमेश्वर के द्वारा पैदा हुआ, और इसलिए कि उसको पैदा करने वाला, इंसान की कोख में डालने वाला खुदावंद है, और इसलिए वो खुदा का पुत्र है। बोल दो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मोबाइल बंद करें प्लीज, इट क्रिएट डिस्टर्बेंस, कंसंट्रेशन स्पॉइल कर रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। दूसरी बात, अक्सर हम मसीही लोग खुश होते हैं, और बड़ी अच्छी बात है, हमें खुश होना चाहिए कि क्या है यीशु मसीह की एक विशेषता को जान कर, कि यीशु क्या है, यीशु मुर्दों में से जी उठा, यीशु मुर्दों में से जी उठा, यीशु मुर्दों में से जी उठा। बड़ी अच्छी बात है, आप खुश होइए, बहुत खुश होइए, मैं भी खुश हूं, आप भी खुश होइए। क्या इतना काफी है, क्या इतना काफी है, क्योंकि हमारा चर्चा का विषय है जीसस। हालेलुया। मेरे अजीजों, बाइबल में 10 मुर्दा जिंदा हुए हैं, बाइबल में 10 मुर्दा जिंदा हुए हैं, जो कि यीशु मसीह के इस जमीन पर इंसान बन के परमेश्वर को प्रकट करने से पहले हैं कुछ, और कुछ यीशु मसीह ने स्वयं किए हैं, और कुछ यीशु मसीह के शिष्यों ने, उसके अनुयायियों ने किए, और कुल मिला के बाइबल में जो है 10 मुर्दे जिंदा हुए हैं। इसलिए हम हमारे परमेश्वर को सीमित ना करें,
हम अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को, जिसको हम मानते हैं, जिसके हम अनुयायी हैं, जो हमारा प्रभु है, जो हमारा लक्ष्य है, वो बहुत महान है, सबसे महान है, वो निराला है, वो पूरी कुदरत वाला है, हम सब का रखवाला है। ये एक हुई जो कि यीशु मसीह मुर्दों से जी उठे हैं। ये मैंने अभी आपसे खुदा की रूह से सिखाई हुई बात आपको बताई है कि 10 मुर्दा हुए जिनमें यीशु मसीह भी शामिल है। लेकिन यीशु मसीह जो कि महान है, उसकी अजमत, उसकी कुदरत कहीं से बढ़कर है, क्योंकि हमारा चर्चा का विषय है जीसस, यीशु मसीह। यीशु मसीह जैसे उनका शुमार है कि वो क्या है, मुर्दों में से जिंदा हो गए, और ही इज आल्सो आउट ऑफ 10। लेकिन वो महान है। बाकी लोग जो मर के जिंदा हुए, फिर मर गए, फिर मर गए, फिर मर गए, हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह मर के जिंदा हुआ और फिर नहीं मरा, आज भी जीवित है। और खुदा की रूह और बता रही है, और ये कि जो मर के जिंदा हुए उनका भी न्याय होना है, और जो यीशु मसीह है वो उनका न्याय करेगा। जो मर के जिंदा हो गए हैं उनका भी न्याय बाकी है, लेकिन यीशु मसीह मर के जिंदा हो गया, उसने सबका न्याय करना है। और दूसरों के लिए एक निर्धारित स्थान है, अच्छे लोगों के लिए भी, कमजोर लोगों के लिए भी। एक वक्त आएगा तो किसके सामने खड़े होंगे, कौन भेड़ बकरियों को अलग करेगा, यीशु जीसस हमारा चर्चा का विषय है, जीसस। और अभी जो मर के जिंदा हो गए हैं उनका अभी स्थान जो है बाकी है, जिसकी तैयारी कौन कर रहा है, यीशु आसमान पर जाके यीशु तैयारी कर रहा है। अभी उनके लिए एक मुकाम है, जगह मिलनी है, और लेकिन यीशु ने वो मुकाम हासिल कर लिया, जैसा डैनियल की किताब में है कि मैंने अपने राजा को चुन लिया है, उसे नियुक्त कर दिया है, उसे ठहरा दिया है। आज यीशु जो मर के जिंदा हुआ, इतना ही काफी नहीं है, उसने जिंदा लोगों को आशीष देनी है और मुर्दों का न्याय करना है, और पूरी दुनिया का वो न्याय है। और बाकी लोगों के लिए जो मर के जिंदा हो गए, उनका जो है एक स्थान अभी निर्धारित किया जाएगा, जिसकी तैयारी यीशु मसीह कर रहे हैं। लेकिन यीशु कहा है, चढ़ गया आसमान, बैठा सज्जे हाथ ते, हालेलुया बोलो, यीशु जिंदा हो गया। और जो दूसरे हैं वो किसी की नजात का वसीला नहीं बने, एक गवाही है, हालेलुया। लेकिन यीशु क्या है, हालेलुया बोलो, यीशु जिंदा हो गया और कुल दुनिया की नजात का दहिंदा हो गया। कुल दुनिया की दहिंदा मतलब होता है देने वाला, कुल दुनिया की नजात का दहिंदा हो गया, हालेलुया। मैं बड़ा आनंदित हो रहा हूं आत्मा में, ओके, बहुत आनंदित हो रहा हूं। और यीशु मसीह के एक हकीकत, यीशु मसीह के हकीकत हमारा चर्चा का विषय है, जीसस। और वो यीशु की क्या हकीकत है, ही वॉज कहां थे, अपने
पिता की देह में थे, क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं कि मैं पिता में से निकल कर आया हूं। और यीशु जब मरियम की कोख में गया, वो पिता की शक्ति के द्वारा गया, और पहले कहां थे? वेयर वाज जीसस? हालेलुया, वो अपने पिता के बीच में थे। और आगे ही इज, वो है, कहां है? स्वर्ग में अपने बाप के दाहिने, स्वर्ग में अपने बाप के दाहिने है, और जमीन पर रूहे पाक की शक्ल में हर जगह हर सुख है। और क्या है आगे चल के है? ही विल बी, वो होगा, जो था, जो है और जो होगा। कहां होगा? कहां होगा? हमारे दिलों में। जो उसको ग्रहण करेगा, जो उसको मान लेगा, अपने दिल के द्वार को खोल देगा, और जो उसकी दस्तक की आवाज को सुनेगा, जो वचन के द्वारा, गीतों के द्वारा, और लोगों के, उसके बंदों के प्रचार के द्वारा जो दस्तक खोल लेगा, वो कहां होगा? He will be with those people। कहां होगा? दिलों में। इसलिए यीशु की विशेषता को हम जाने। हमारा प्रभु बहुत महान है। He was, He is, He will be। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजो, मेरे अजीजो, मेरे प्रियो, परमेश्वर प्रभु यीशु जो कि हमारा क्या है? मुक्ति दाता है। बड़े गीत गाते हैं, बहुत अच्छा है, गवाही देते हैं, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, यीशु का नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। कैसे मुक्ति? किससे मुक्ति? जब यीशु मसीह दुनिया में थे, जब ऐसी बातें करते थे, तो लोग कहते थे, अरे हम कौन सा कोई गुलाम में है, या हमने हमारे कोई हमें कोई संकलों ने जो बांध रखा है। मेरे अजीजो, ही इज सेवियर, बचाने वाला, मुक्ति देने वाला। किससे? शैतान से, शैतान के उस बीज से जो हमारे अंदर है, गुनाह की शक्ल में, नाफरमानी की शक्ल में, यीशु उससे मुक्ति देता है। ये जो देखती रहा बातों पे, हम सोचते हैं कि वो आदमी सांखलों के बीच में जकड़ा हुआ होगा, उसका ताला खोल दिया जाएगा। ये तो विजिबल बातें हैं, लेकिन विश्वासियों के लिए विजिबल बातें नहीं है, वो अनदेखी बातों को खुली आंखों से देखते हैं, जो देखती नहीं है वो विश्वास के साथ देखी जाती है। मुझे स्मरण आ रहा है स्टीफन साहब का वो किस्सा, और वो जो प्रेरितों के काम में लिखा है कि ही वाज अबाउट टू डाई, लोग पथराव कर रहे हैं और वो मर रहा है, लेकिन उसे चिंता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के लोग आदमी आंखों से वो देखते हैं जो दुनिया को नहीं देखता। और वो क्या देख रहा है? परमेश्वर उसका सिंहासन यीशु मसीह को देख रहा है, और खुली आंखों से प्रार्थना कर रहा है कि खुदा बंदे इन्हें क्षमा कर, इन्हें क्षमा कर। मेरे अजीजों, ये जो मुक्ति है, इसका एक जो पैमाना है, वे ये मनुष्य की बुद्धि के द्वारा ऐसे नहीं दिखता, बल्कि उसको पूछो, उसको पूछो जो कल गुनाह में, पाप की दलदल में मर रहा था, बेचैन था, रात दिन परेशान था, कोई उसकी इज्जत नहीं करता था, उसका कोई वजूद नहीं था, और आज उसे लोग सलाम करते हैं, आज
परमेश्वर उससे बात करता है, वो परमेश्वर जो उससे रूठा हुआ था उसके पास आता है, उससे बातचीत करता है और उसके जीवन के द्वारा, उसकी बातों के द्वारा, उसके प्रचार के द्वारा बड़े बड़े काम करता है। उसको पता है कि मुक्ति क्या होती है। ये जो सांकड़े लिखती हैं इससे रिहाई पाना, ये सुने मुक्ति नहीं दी है। यीशु गुनाह की गुलामी से, शैतान के संकल्प से, जिसमें पूरा भूमंडल आज भी जकड़ा हुआ है, और यीशु जो है सबको मुक्ति देना चाहते हैं, नजात देना चाहते हैं उस बंधन से, उस बंधे से जो के दिखनी नहीं है। मन में पाप है, मन में ईर्ष्या है, मन में माफी का जज्बा नहीं है, मन कठोर है। ये क्या है? ये गुलामी है। शैतान ने हमारे मनों को बांध रखा है कि हम किसी पर दया ना करें। शैतान ने हमें बांध रखा है कि हम किसी को क्षमा ना करें। भूल गए कि हमारी भी क्षमा हुई है, लेकिन मान रखा है कि हम किसी को क्षमा ना करें। जेब में बहुत से पैसे हैं, भूखा भिखारी है और कोई मांग रहा है, शैतान ने बांध रखा है कि क्या है ना दे, कतरा कर चले जाए। खुदा ने हमें क्या है, डॉक्टर बनाया और बड़ी बड़ी डिग्री दे दी, लेकिन हम क्या है, हमें औरों के जिस्मों की चंगाई, औरों के जिस्मों की भलाई के लिए है, लेकिन अगर हम अपना ही कंफर्ट सोचते रहेंगे तो ये क्या है? ये गुलामी है, ये गुलामी है। अगर हम प्रीस्ट हैं, जैसे मैं हूं, अगर मैं प्रीस्ट हूं, अगर मैं अपना ही, अपने ही हित की, अपने ही बढ़ाई, अपने ही प्रशंसा करी जाऊं, तो मैं क्या हूं? मैं भी गुलाम हूं। तो यीशु मसीह इन सब बातों से मुक्ति देते हैं। उसके नाम में मुक्ति है, क्योंकि उसके नाम में शक्ति है, क्योंकि यीशु नाम सबसे आला है। हमारा चर्चा का विषय है जीसस, जीसस सब नामों से श्रेष्ठ, सब नामों से आला और पूरी दुनिया का रखवाला, और सबको दावत देता है। उसका आना पूरी दुनिया के लिए है, यूहन्ना 3:16 बोलता है। उसका आना पूरी दुनिया के लिए है, ना कोई गोरा ना कोई काला, यीशु सबका है रखवाला। ना कोई अपना ना कोई बेगाना, सबको सब कुछ सब उसी के हैं, चाहे वो हिंदुस्तान के हो, चाहे वो पाकिस्तान के हो, चाहे वो जापान के हो, चाहे वो अफगानिस्तान के हो, चाहे वो इंग्लिस्तान के हो, पूरी भूमंडल उसकी है, और ये जमीन जो है उसके पैरों की चौकी है, और हर एक इंसान उसका है। और उसने पूरी दुनिया के लिए खून बहाया है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए या किसी जाति के लिए नहीं बहाया है। वो सबका प्रभु है, सबको बुलाता है, सबको दावा देता है कि आ जाओ। बाहें खोल के कहता है जीसस। प्यार का झरना, क्षमा की खान और मुक्ति का द्वार, और स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए एकमात्र राह। हालेलुया, परमेश्वर यीशु के नाम में हम सबको बरकत बख्शे। आमीन, 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 आमीन।